नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं, जहां जिला पार्षद के पिछले दफ़े आपने एक इंटरव्यू देखा था हमारे चैनल पे, उनका इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सिस्टम चोर है और भ्रष्टाचार का सारा पर्दाफाश कर दिया था। एक तरफ से जो है उन्होंने सीधा जो एक सिस्टम पर पढ़ा किया था और सीधा सवाल उठाया था कि भाई ये जो है 28% की पीसी कौन ले रहा है और कौन है इसके पीछे, इसकी तह तक हमने जानने की कोशिश की। तो जिला पार्षद इंजीनियर नासिक नादिर ने पूरे सिस्टम की जो है धज्जियां उड़ाई और खुलकर बताया कि कौन कहां कितना परसेंटेज पीसी बंधी हुई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचता ये पीसी का पैसा। सोचिए, आप और हमारे और हम सब के टैक्स के पैसे से सड़कें, पुल, पुलिया और छोटे गली नली वगैरह जो भी बन रहा है, ये सारे हमारे पैसे से बनते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन होने से फ़ायदा ये है कि देश चलता है। बिल्कुल गलत। एक इंजीनियर को आप पीसी दे रहे हैं 10%, वो किसको वो पैसा पहुंचा रहा है? वो तो उनका घर भर गया उससे। ये गलत नहीं हो रहा है क्या? RWD का मैंने कई ऐसे इंजीनियर्स को देखा है जिन्होंने पीसी लेने का काम किया है, 10% पीसी लिया। अगर मान लिया जाए एक सड़क का एस्टिमेट बनता है 11 लाख रुपये, उसमें से उनका जो है 10%, समझ रहे हैं आप कितना रुपये हो गया? 11 लाख का सीधा देखा जाए तो 1 लाख रुपए उनके पास जाता है, और वो 1 लाख रुपए गया तो बाकी जो बचता है उसमें से और विभाग के लोग 30%, तो कितना हो गया? 30% का सीधा 3 लाख निकल गया, तो 4 लाख रुपए ऐसे ही ख़त्म। अब बचा इधर लमसम 7 लाख रुपए। अब 7 लाख रुपए में से जो उसमें टेंडर जिसके द्वारा लिया गया है उनको भी चाहिए, वो भी 2 लाख रुपए रख लेंगे तो बचेगा 5 लाख रुपए। अब उस 5 लाख रुपए में अगर गुणवत्ता की बात जहां तक कर ले तो भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है कि जब गुणवत्ता नहीं होगा तो फिर विकास कहां से होगा? अब बताइए, वो जो ठेकेदार जो था उनको चाहिए, उसके बाद जो पैसा पूंजी लगा रहा है उसको तो बेनिफिट चाहिए, वो ले रहा है। उसके बाद की अगर आगे की जो प्रक्रिया की हम बात कर लें, इस पर कई चीज़ें सवाल उठ रही है यहां से। इसमें अगर विधायक है तो विधायक को भी जाता है 15%। अब बताइए, उसमें 15% में यानी 1.5 लाख रुपए और आप माइनस कर लीजिए तो कितना कुल पैसा बचा? 4.5 लाख का आप काम ढूंढेंगे गुणवत्ता का, तो यहीं से स्टार्ट होती है सिस्टम चोर कैसे नहीं है। अब बताइए, इसी चीज़ को लेकर के जिला पार्षद नासिक नादिर ने भंडाफोड़ किया है। इसको लेकर उन्होंने आज किशनगंज जिला मुख्यालय में सदन चल रही थी पार्षदों की, और उन्होंने सीधे एक सवाल खड़ा कर दिया कि सिस्टम चोर है। सुनते ही DDC और बाकी अन्य दल जो नेता बैठे हुए थे सब धीरे धीरे उठ के चले गए। और हालांकि ये बात कड़वी जरूर है, इसमें से जिला के जो DDC हैं वो खुद वहां से उठकर चले जाते हैं और जो अन्य पदाधिकारी हैं सबके सब चले जाते हैं। ये है सच्चे नेताओं की जो पहचान है और दृश्य है, वो सबसे बड़ी बात है। समझना चाहिए, हम अपने वोट से जिनको जिताते हैं वो कर क्या रहे हैं? जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे जीवन के लिए, नदी कटाव के लिए निरोधक का कार्य होना, क्या हो पाया है? यही तो सवाल पूछ रहे थे नासिक नादिर साहब सदन में, और इसी बात को लेकर उन सभी नेताओं के मुंह में ताला लग गया। अब सोचिए, 2 विधायक भी बैठे हुए वहां पे, ये भी नहीं उठ रहा उनसे सवाल कि ये जो सवाल पूछ रहा है बिल्कुल जेन्युइन है और इस पर करना चाहिए। यहीं से स्टार्ट है कि आम जनता को सवाल पूछने की जरूरत है अब कि आपकी सैलरी। अब बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैलरी लागू किया, एक विधायक को सैलरी में दी जाती है 1,30,000 रुपए, उसके अलावे जो वो गाड़ी से चलते हैं उनका भत्ता अलग से मिलती है और क्या क्या भत्ता न जाने ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो मिलता है उनको। मैं स्क्रीनशॉट पे सारी चीज़ें देता हूँ, आप लोग एक तरफ से देखिए कि ये चीज़ें हो रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री की सैलरी आप बताइए 2,30,000 है, उसमें से भी उनको भी भत्ता वगैरह सेम चीज़ मिलती है। जब हार जाएंगे इलेक्शन तो फिर पेंशन मिलता रहेगा। ये देश के नेता पेंशन से लेकर के सैलरी से लेकर भत्ता तक सब ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर करप्शन हो रहा है तो ये कौन जवाब देगा? यही तो सवाल है, और ये हर वो इंसान को पूछनी चाहिए कि सवाल करप्शन क्यों? टैक्स का पैसा पे हम कर रहे हैं, एक मेडिसिन खरीदने जाते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं तो हम टैक्स देते हैं, अब GST भी देना पड़ रहा है। अब बताइए, वो सारे पैसे हमारे जाते हैं वहां पे और वही पैसा रिटर्न आकर के मेरे गांव में सड़कें, गली, पुल, पुलिया ये सब बनता है और उसमें करप्शन हो रहा है, तो ये करप्शन का पैसा खा कौन रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि 28% वाला जो मुद्दा था नासिक नादिर ने साबित कर दिया था कि सिस्टम चोर है। और इसी चीज को लेकर के उन्होंने
जो वहां पे जो उनका सदन चल रहा था, सदन में उन्होंने प्रहार किया है। चलिए पहले उस वीडियो को दिखाते फिर आपको बताते हैं विस्तार से। अध्यक्ष महोदय, लास्ट में हम अपना बात फिनिश करना चाहेंगे। लगातार अध्यक्ष महोदय, हम लगातार एक बात करते हैं कि सिस्टम चोर है। मैं 9 दिन भुकरताल में था, उसमें भी मैं बात किया था। हम जिला परिषद सदन में 7.5 लाख का एक पीसीसी योजना करते हैं। 7.5 लाख का पीसीसी योजना में पूर्व जो जिला परिषद चेयरमैन थे वो 25% लेते थे, अभी नए हैं जो 28% ले रहे हैं। सर मेरी बात पूरी तरह सुना जाए, टोटल मिला के सर लास्ट मेरी बात पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि हम जिला परिषद सदस्य प्रमुख साहब की अनुमति से हम ये बैठक की कार्यवाही समाप्त करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात को सुनिए, इस पूरी बात को सुनिए। ठीक है, सिस्टम चुरी कर रहे ना, खोले हम जिला परिषद सदन के सामने में धरना में बैठते हैं। ठीक है, जब नासिक नादिर ने सवाल शुरू किया और उन्होंने जो पूछा है, सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है कि जब नासिक नादिर ने उठाया मुद्दा कि सिस्टम चोर है और जो है 28% वाला खेल क्यों, कौन कर रहा है और कहां तक जाता है, ये जब सवाल पूछने लगे तो वहां दो विधायक बैठे हुए हैं और दोनों विधायक आरजेडी के विधायक हैं। सवाल तो यहीं से उठता है कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं आया कि सिस्टम चोर कौन है और क्यों हो रहा है। सवाल तो अब समझिए कि आखिर सिस्टम चोर क्यों कहा गया, यही सवाल है। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, असली वजह क्या है, इसके पीछे कौन है और कौन लोग करवा रहा है, मगर सवाल यहां पे कोई नहीं पूछने वाला होता है। अब आम जनता को सोचने की जरूरत है, जब आपके सवाल को जब उठाया जाता है सदन में तो कोई सुनने वाला नहीं होता, तब आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आप नेता जब चुनेंगे तो अपने हित और विकास के लिए चुनिए, वरना तो 500 और 1000 के नोट के प्रलोभन में आप चले जाइएगा तो आपका सत्यानाश होना तय है, कोई फिर आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आपका 5 साल उनको जो मिलता है ना वो लूटने के लिए मिलता है, कमीशन खोरी के लिए मिलता है, 15% कमीशन लेने के लिए मिलता है, 1 लाख समथिंग यानी 65,000 रुपये सैलरी मिलता है, भत्ता मिलता है, तरह तरह की ना जाने कितनी सारी चीजें मिलती है। हारने के बाद भाई साहब को मिलता कितना, फिर भी उसके हाफ सैलरीज मिल रही हैं, 60,000 रुपये पेंशन मिलता है उसको, फिर उनके घर पे 2 टिकटें मिलती है फ्री। ये है उन नेताओं की फैसिलिटीज। आम जनता को क्या दे रहा है, आम जनताओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, मुख्यमंत्री के टेबल तक पैसे जाती है पीसी के, ये सवाल है। ये है मेन करप्शन का अड्डा। ये नासिक नादिर ने जो पूछा है इससे साबित हो जाता है कि पूरे सिस्टम में कौन चोर बैठा है। अब आम जनता को चाहिए कि इस के जरिए, अपना मत के जरिए से बदला लीजिए, इनसे पूछिए। अब इलेक्शन आ रहा है, आपके क्षेत्र में जाएंगे वोट मांगने, कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं विकास करूंगा, आपकी हक की और निहाती हर मुद्दों को लेकर लड़ूंगा। अब बताइए, एक तरफ फैजान जिला पार्षद है, उन्होंने भी सिस्टम में बैठकर कहा नदी कटाव की तैयारी लेकर के आप क्या तैयारी कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हम तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी क्या है। यही चीज है कि प्रशासन सुनना नहीं चाहती तैयारी क्या है, क्योंकि इनके जो आका है बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो चाहते नहीं है कि सिस्टम ढंग से चले। जितना भी अब तक बाढ़ को रोकने के लिए जितनी भी जगह बम्बो फाइटिंग या बोरा पीचिंग के माध्यम से किया गया व्यवस्था, कहीं सक्सेस नहीं है। मेरे पास एक ताज़ा वीडियो हाल ही का है, ये कोचा दामन का वीडियो है, और हालांकि नहीं, ये हमारे पड़ोस कई नदियों का वीडियो आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाढ़ की पानी आई हुई थी तो असुरा साइड में, पूरा गांव के अंगनों तक पानी पहुंच गया, और जो साइड से पैलिंग का व्यवस्था की गई थी वो पूरा खिसक गया। अब बताइए कि कहां करप्शन नहीं हो रहा है। अगर उसी पैसे का सही ढंग से अच्छे से बांध का निर्माण कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि शायद वहां पे कोई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी कमीशन ली जाती है, 15% विधायक जी को भेजा जाता है, बाकी अन्य लोग खाने के लिए बैठे रहते हैं। तो बताइए आप कैसे विकास हो सकता है। सबसे पहले आप जागरूक होइए, आप जागरूक नहीं होइएगा तो आपका यकीन जानने की जो आपका जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खराब होगी, और आने वाले व्यवस्था खराब होने का जिम्मेवार सीधा आप होंगे, क्योंकि पैसा आपका है, टैक्स आप पे करते हैं, ना कि नेता। नेताजी को फैसिलिटीज मिलती है, डबल सैलरीज, और बताइए पेंशन मिलता है हारने के बाद, उनको भत्ता मिलता है, चलने के लिए अलग पेट्रोल्स गाड़ी की मिलती हैं, और गाड़ी उनको नया लेना है तो जब तक 5 साल के अंदर लोन अप्रूव होता है कि आप इस दायरे में लोन की गाड़ी ले सकते हैं। अब बताइए, वो लग्जरी कार में भाई साहब घूम रहे हैं, आम जनता सड़कों पर ठोकर खाती दिख रही है,
कोई सवाल नहीं पूछने वाला सिस्टम से। अब बताइए कौन आपके लिए हक के लिए लड़ रहा है? ये लड़का नासिर नादिर ने जो पूछा है मामूली सा पार्षद है, जो सवाल खड़ा किया है इससे अब साबित होता है कि सिस्टम में चोर कौन लोग बैठे हुए हैं। एक शब्द भी नहीं आया, दो विधायक बैठे हुए थे, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला कि आखिर सिस्टम चोर क्यों है। वजह नहीं जानने की कोशिश की कि क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको भी 15% पीसी जाता है। ये कोई विधायक नहीं दावा कर सकता कि मैं पीसी नहीं लेता हूं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 15% की जो पीसी लेता है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आम जनता को चाहिए कि सवाल पूछिए, आपका हक की लड़ाई है। अब पूछिए कि 15% आप क्यों लेते हैं? अगर वो 15% आप नहीं लीजिएगा तो यकीन जानिए गुणवत्ता काम होगा और आप विभाग के ऊपर चढ़ के बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, सही चीज हम जानना नहीं चाहते हैं। आर्टिकल 19 यानी 19 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आप अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको संविधान उतने दायरे में देने दी है बोलने के लिए, मगर आप पूछना नहीं चाहते हैं। कब जागरूक होइएगा? जब तक जागरूक नहीं होइएगा ये सिस्टम उसी तरह से आपके साथ करता रहेगा। ये विधायक भी वसी करते रहेंगे, ये नेता भी जो भी हैं प्रतिनिधि हैं वो आपके साथ वसी करते रहेंगे। इसीलिए फिर मैं कहता हूँ आप लोग जागरूक होइए, आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, तब कुछ हो सकता है इस देश का। हाल ही में बाढ़ की जो तस्वीर आप देख ही रहे होंगे, इस तस्वीर से देख के समझिए कि आखिर बाढ़ से लोगों की क्या हालत रही होगी। ऐसी लगातार अपडेट लेके हम जुड़ते रहेंगे। लाइव 24 न्यूज का नई स्टूडियो 15 तारीख को लॉन्च हो रही है, बहुत जल्द हम स्टूडियो से लाइव होंगे और हमारी जो हर छोटी बड़ी खबरें जो है आप तक पहुंचाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, और बहुत जल्द हमारे स्टूडियो का आगाज होने के बाद आपके बीच प्रत्येक दिन देश दुनिया तमाम बड़ी खबरें छोटी खबरें आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। बने रहिए, तब तक हमें सपोर्ट करिए और सहयोग करिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म की जा रही है, चौथे स्तंभ को खत्म किया जा रहा है। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर प्रतिक्रिया दें, हमारे निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट और सहयोग